नंबर 5 बॉल वेल। बॉल वेल रोटरी क्वार्टर टर्न वेल्व है। इसकी शेप बॉल की तरह होती है। ये क्विक एक्टिंग टाइप है। इसका मतलब हम इसको 0 या 90 डिग्री पर ऑफ कर सकते हैं। वेल्व को क्लोज या ओपन करने के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। वेल्व को जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वेल्व ओपन हो जाएगा, और जब हम इसको 90 डिग्री से 0 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वेल्व क्लोज हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम डोमेस्टिक हाउसेस पाइपलाइन में करते हैं, और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ बॉल वेल्व: स्टेम, पैकिंग, बॉडी, बॉल और सीट। ये बॉल वेल्व की एनिमेटेड वीडियो है जिसमें इसकी वर्किंग को दिखाया गया है। वेल्व स्टेम क्लोज पोजीशन में है। ये अप स्ट्रीम है जहां से फ्लो इन हो रहा है, और ये डाउन स्ट्रीम है जहां से फ्लो आउट हो रहा है। ये बॉल है जो 0 से 90 डिग्री पर रोटेट कर रही है। नंबर 6 बटरफ्लाई वेल्व। बटरफ्लाई वेल्व भी क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वेल्व है, और ये फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप और रेगुलेट करने में मदद देता है। बटरफ्लाई वेल्व का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इसकी बॉडी थिन होती है, यानी कि एंड टू एंड डायमेंशन जो है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये पाइपिंग सिस्टम में बहुत ही कम जगह घेरता है। इसलिए बटरफ्लाई वेल्व को मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एसिड की सर्विस हो गई या वाटर की सर्विस पर इस्तेमाल होते हैं। पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई वेल्व: स्टेम, बुशिंग, बॉडी, स्टेम सीलिंग, बोल्ट थ्रेड, पिन, डिस्क, सीलिंग या सीट। ये एक बटरफ्लाई वेल्व की एनिमेटेड वीडियो है जिसमें बटरफ्लाई वेल्व की वर्किंग को दिखाया गया है। ये अपस्ट्रीम में जहां से फ्लो इन हो रहा है, और ये डाउन स्ट्रीम है जहां से फ्लो आउट हो रहा है। ये बटरफ्लाई वेल्व का फ्लैपर है जो कि 0 से 90 डिग्री पर ओपन एंड क्लोज हो रहा है। नंबर 7 डायाफ्राम वेल्व। डायाफ्राम वेल्व दूसरे वेल्व की निस्बत मुख्तलिफ होता है। डायाफ्राम वेल्व में कोई भी डिस्क इस्तेमाल नहीं की जाती। वेल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए डायाफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है। डायाफ्राम से मुराद पर्दा शिकम। ये वेल्व लीनियर मोशन वेल्व है, और ये फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप और रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ डायाफ्राम वेल्व: हैंड व्हील, नट, बोनट, स्टेम, स्टेम नट, बोनट नट, डिस्क, डायाफ्राम एंड बॉडी। ये एक डायाफ्राम वेल्व की एनिमेटेड वीडियो है जिसमें डायाफ्राम की वर्किंग को दिखाया गया है। ये डायाफ्राम है, और ये कंप्रेशन जो डायाफ्राम को ओपन एंड क्लोज कर रहा है। नंबर 8 निडल वेल्व। निडल वेल्व ग्लोब वेल्व की तरह होता है। इसमें जो बड़ा फर्क है वो डिस्क का है। ग्लोब वेल्व में जो डिस्क होगी वो ग्लोब की तरह होगी, जबकि निडल वेल्व में जो डिस्क इस्तेमाल होती है वो निडल की तरह होगी। निडल वेल्व का इस्तेमाल आमतौर पर उन इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है जहां पर बिल्कुल एक्यूरेट फ्लो की जरूरत हो। इसका इस्तेमाल स्मॉल डायमीटर पाइप में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन एप्लीकेशन में किया जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। पार्ट्स ऑफ निडल वेल्व: हैंडल, लॉकिंग नट, थ्रेड, बोनट, प्लंजर और स्टेम, टेपर पॉइंट एंड वेल्व होजिंग, ओरिफेस। नंबर 9 प्रेशर रिलीफ वेल्व। पाइपिंग सिस्टम या इक्विपमेंट में जब ओवर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उस टाइम प्रेशर रिलीव वेल्व प्रेशर को रिलीज कर देता है। इस तरह से प्रेशर रिलीव वेल्व पाइपिंग सिस्टम और इक्विपमेंट को सिक्योर करता है। पार्ट्स ऑफ प्रेशर रिलीज वेल्व: कैप, सेट प्रेशर एडजस्ट स्क्रू, बोनट, स्प्रिंग बटन, स्प्रिंग, गाइड प्लेट, बॉडी, डिस्क, ब्लो डाउन एडजस्ट रिंग, लॉकिंग नट और नोजल। ये एक प्रेशर रिलीज वेल्व है जिसमें इसकी वर्किंग को दिखाया गया है। वेल्व को फंक्शन के लिहाज से क्लासिफाइड किया गया है। आइसोलेशन वेल्व: बॉल, बटरफ्लाई, डायाफ्राम, पिंच, गेड, पिस्टन एंड प्लग वेल्व शामिल हैं। रेगुलेशन वेल्व: बॉल, बटरफ्लाई, डायाफ्राम, ग्लोब, निडल, पिंच एंड प्लग वेल्व शामिल हैं।
सेफ्टी रिलीफ वेल्व्स, प्रेशर रिलीज एंड वैक्यूम रिलीफ वेल्व्स, नॉन रिटर्न वेल्व्स, स्विंग चेक एंड लिफ्ट चेक वेल्व्स। कॉमन वेल्व कनेक्शन एंड एंड्स स्क्रूड और थ्रेडेड, अक्सर इनका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ वेल्डिंग को अलाउ नहीं किया जाता। फ्लैंज्ड पाइपिंग यूज में ज़्यादातर फ्लैंज एंड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बट वेल्डेड ये ज़्यादातर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ऑपरेशन पर इस्तेमाल होते हैं। सॉकेट वेल्डेड आमतौर पर स्मॉल बोर पाइपिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर थ्रेडेड कनेक्शन को अलाउ नहीं किया जाता। वेफर एंड लग्स अक्सर इनका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पाइपिंग सिस्टम में लिमिटेड स्पेस हो।